भाग दो में आप सभी का स्वागत है। तो हम अमृत जी से बात कर रहे थे और हम जो प्रेजेंटेशन है उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब उनके काम के सिलसिले में हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि सबका जो काम का एक फेज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है और सभी को इस फेज से गुजरना पड़ता है। तो जैसे कि अभी बहुत सारे मेमोरीज उन्होंने शेयर किए हैं, आप सभी को अच्छे लगे हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से भी और ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। कि किस समय का काम है? ये है ना 70s का काम है। मतलब इसी सीरीज पे मुझे 76 में अवार्ड मिला था, जो ओके मेरा सब्जेक्ट था ग्रोथ। तो मैंने करीब 10 साल तक इसी सब्जेक्ट को लेकर के पे काम किया था। ये ओके कॉलेज के बाद का है, मतलब 76 का है। जब ये मैंने आपको बताया ना, मैं बनारस पे हाँ बनारस से मैं अवार्ड लेने आया था। ये सीरीज यही थी, पेंटिंग ये नहीं था, सीरीज ये थी। ओके वो हाँ पेंटिंग तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पास है। हाँ हाँ अच्छा, दूसरा एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने एनजीएमए की बात की, तो पहले एनजीएमए काम बहुत कलेक्ट करती थी, अब वो हाँ चीजें रेगुलर, हर साल कलेक्ट करते थे रेगुलर। वो चीजें मेरे मेरे ख्याल 14 काम है वापस एनजीएमए के पास। वापस शुरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ये भी उसी सीरीज का है? ना ये अलग अलग है सब। ये है 2010 का है। ओके 2010 में मैंने किया था ये। क्या कि मैं आपको बताऊं, जो पहले जो आपने दिखाया ना पेंटिंग, तो हाँ उस वक्त 70s में तांत्रिक की मूवमेंट बहुत चलती थी ओके और सब लोग तांत्रिक के ऊपर, जैसे स्वामीनाथन और संतोष जी और ओम प्रकाश जी और बर्वे जी और सब लोग जो जितने करते थे वो तांत्रिक पे बहुत काम करते थे। तो उस प्रकार नए नए कॉलेज से पास निकले, तो जब कॉलेज से नए निकलते हैं तो जो हम हमको तो बहुत प्रभावित करता है ना एज ए स्टूडेंट्स कैरियर बिल्कुल में, बिल्कुल कि आसपास में मूवमेंट क्या चलती है। तो बिल्कुल वो मैंने उसमें से इतने ये लिया था कि ये सब्जेक्ट की तांत्र मतलब सेंट्रल कॉम्पोजिशन, मेरे मतलब यही था। ओके हाँ मैं तांत्र की फिलोसॉफी नहीं लिया था। हाँ मतलब सेंट्रल कॉम्पोजिशन में मैं मेरे विषय से तांत्र में, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो इसलिए मुझे साइंस में जब हम पढ़ते थे तो था कि भाई जब सजीव सजीव वस्तुओं का ग्रोथ होता है, निर्जीव वस्तु का ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन बिल्कुल हमारे पुराण जब पढ़ते हैं तो पुराणों में निर्जीव का ग्रोथ भी बताया है। हाँ हाँ तो मुझे ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगा, तो मैं इसी सब्जेक्ट को लेकर के कि निर्जीव का ग्रोथ मतलब जो पुराण बोलते हैं कि जैसे अपने ज्योतिर्लिंग जो है अपने आप उद्भव हुए। अब ओके ज्योतिर्लिंग जो उद्भव हुए हैं वो स्टोन है, वो स्टोन अगर होता है उद्भव तो फिर मैं उसी सब्जेक्ट को लेकर के 10 साल तक काम किया। तो नीचे सारे पत्थर हैं, पत्थर के अंदर से पत्थर मतलब ग्रो हो रहे हैं, और बिल्कुल एज ए सजीव उसके ऊपर लाइव मतलब ट्री का एक फॉर्म है जो टॉप के ऊपर आपको दिख रहा है वो। तो लाइव सजीव और निर्जीव दोनों को साथ में जोड़ने की कोशिश थी मेरी। कॉम्पोजिशन अपना था सेंटर कॉम्पोजिशन। हाँ तो इसमें 10 साल तक मैंने काम किया था और ये 2010 का था। जब कभी कभी मुझे याद इच्छा हो जाती है ना तो मैं ये भी कर लेता हूँ बीच में। मैंने 1 साल मतलब 6 महीना तक 12 पेंटिंग की थी ऐसी अलग अलग। जब यही मैंने न्यूयॉर्क में किया था हाँ अच्छा, ये न्यूयॉर्क काम, न्यूयॉर्क से में किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप दिल्ली से न्यूयॉर्क कैसे जाना? मेरे दोनों बेटे वहां पर हैं, वो वहां ओके सेटल्ड हो गए हैं, हाँ तो दोनों बेटे की वजह से मैं बार बार वहां जाता हूँ और आता हूँ। ओके तो मतलब मेरा वहां काम करने की स्पेस थी। मेरा छोटा बेटा है ना वो शेफ है, उसकी उस ओके पर ना न्यूयॉर्क में इंडियन रेस्टोरेंट थी, तो रेस्टोरेंट के ऊपर बहुत बड़ा रूम था, वहां मेरा हाँ स्टूडियो था। वाह हाँ तो मैं इसी वजह से आता जाता रहता, क्योंकि काम करने की फैसिलिटीज मुझे वहां भी मिलती थी, इसलिए मुझे वहां रुकने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। सही अगर स्टूडियो नहीं होता तो मैं जल्दी वापस आ जाता। नहीं वाकई, और ऐसा तो ये है कि आर्टिस्टों के लिए तो कहीं भी हो, जहां भी ऐसा जहीं कहीं भी जाए वो अपना अपना ठिकाना तो ढूंढ बस ही लेते हैं, अपनी जगह बिल्कुल स्पेस काम बिल्कुल। करने के लिए और हमको काम करने की जगह मिल जाए ताकि बस जैसे बाहर जग मिल गया पूरा। बिल्कुल। ये कब की सीरीज है? ये मेरी स्टूडेंट्स पीरियड का है। जब मैं ओके हाँ कॉलेज में ज्वाइन किया था तो हाँ कॉलेज में थर्ड ईयर में जब मैं आया तो थर्ड ईयर में ये पेंटिंग किया था मैंने। तो ये मैंने 5 साल तक उस हाँ मैं समय आपको भी एक बता दूं दौर कि ऐसा पांच चलता था ना? हाँ जी फिगरेटिव का दौर था।
तो फिगरेटिव को मैंने इतने हिसाब से ये सोचा कि मैं इंडियन मिनिएचर का स्टडी करूं पूरा। तो मैंने 5 साल तक राजपूत, किशनगढ़ और कांगड़ा, ये तीनों शैली का थरो स्टडी किया था, डिटेल स्टडी। ओके और डिटेल स्टडी करके तीनों का मिक्सर करके मैं एक अपना कैरेक्टर कैसे खड़ा करूं जिसमें मोगल कैरेक्टर भी आ जाए। देखिए आप ड्रेस देखो तो मोगल कैरेक्टर के हैं बिल्कुल, तो उसमें मोगल, कांगड़ा और किशनगढ़ नहीं है, तीनों मिक्स हैं, तीनों मिक्स है ये। तो मैंने 5 साल तक मिनिएचर में काम किया, इसमें मुझे अवार्ड भी मिला था गुजरात स्टेट का उस वक्त जब मैं स्टूडेंट था, इसी पेंटिंग पे अवार्ड मिला था। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि जैसे अभी यहाँ सृजन आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन था, तो उसमें काफी हाँ सारे जो ग्रेट मास्टर्स थे उन लोगों का काम लगा था, तो उनके पुराने काम जो थे ना, ये ऐसे ही सभी के काम लगभग इस ऐसे ही ट्रेडिशन में, तो एक एक दौर चलता है उस दौर से, हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे अलग एक उसमें फॉलो करते हुए धीरे धीरे लोग, मेरे ख्याल लेकिन से। आप अगर सजग रहो ना अपने जी काम से, आप अगर सजग रहो ना तो धीरे धीरे अपने आप जो वो दौर से दूसरे दौर में कब आप शिफ्ट हो गए पता नहीं चलता है। बिल्कुल हाँ ये भी उसी पीरियड का है, स्टूडेंट्स पीरियड का है, जब मैं स्टूडेंट था ये। वाओ सेल्फ ये भी पोर्ट्रेट स्टूडेंट पीरियड का था। हाँ ये सेल्फ पोर्ट्रेट था, ओके स्टूडेंट पीरियड था उस वक्त। हम क्या था कि हम कॉलेज में रहते थे, मालूम है आपको, ये शायद हाँ एपिसोड ही बताऊं कि हम कॉलेज से महीने में एक भी घर जाते थे। मैं ओके क्लास में ही सोता था, रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक काम करके सो जाता था। सुबह 10 बजे कॉलेज हो तो हमारे टीचर आकर के जगाते थे, उठ जाओ क्लास क्लास शुरू हो गया। वाओ तो उस वक्त हमने तय किया था कि रोज रात को सोने से पहले एक पोर्ट्रेट करके सोने का। हाँ तो हमारे जितना 8-10 लड़कों का ग्रुप था, रात को जो हम सोते वहीं कॉलेज में रहते थे, सबको बारी बारी से मॉडलिंग के लिए बिठाते थे। अब ओके जब कोई ना हो, मैं अकेला हूं, तो मैं एक मिरर रखा था, तो मिरर में अपना सेल्फ पोर्ट्रेट करके सो जाता था। वाओ बाकी रोज एक पोर्ट्रेट करके सोता था मैं पर उस समय का स्टूडेंट एक टाइम। माहौल अलग था ना, आपका माहौल तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पोस्टर कलर में किया है, ऑयल में नहीं है ये, ओके पोस्टर कलर में किया था। वाओ हाँ ये जब था 90s का है, ये 90s पे मैंने पूरी जो आप, मैं पूरी स्टोरी बता दूँ एक, तो फिर बाद में पता चलेगा कि जो ओके सेंटर कॉम्पोजिशन मैंने 10 साल काम किया ना, तो वो सेंटर कॉम्पोजिशन में मैं इतना अपने आप को, ये मतलब एक आज चाहता कि सेंटर में कुछ रख दो, उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद आसपास में उसके करते जाओ बस। तो आप अपनी पूरी स्पेस को हैंडल करने की क्षमता खो बैठा हो, ऐसा मुझे खुद को महसूस होता था ओके कि मैं पूरी कैनवास को एक साथ मुझे कंपोज करना हो और मुझे एक सेंट्रल कंपोजिशन से हटके करना हो, तो मैं वो कर नहीं पाता था। क्योंकि 10 साल तक एक ही घरड़े में काम कर दिया, तो मैंने फिर जानबूझ के 10 साल के बाद मैं उस, मैंने कहा सेंट्रल कंपोजिशन करना ही नहीं है। तो उससे मैंने बाहर 3 महीना तक निकले काम नहीं किया। थे। हाँ मैंने कहा उससे बाहर निकलना है, अब ये नहीं चलेगा। तो मैंने उसके लिए एक तय किया था कि ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा में एक पेंटिंग पूरा करके जाने का छोटा। सही तो वो पेंटिंग नहीं, मतलब वो सेंटर से हटके करना है, सेंटर में कुछ नहीं करना है, और जो कॉम्पोजिशन करें वो पूरी स्पेस को मैं किस हिसाब से हैंडल करूं, वो हाँ मेरी हाँ प्रैक्टिस थी निकलने की। तो 3 महीना तक काम किया था मैंने, तो वो 90 एक्सरसाइज हुई थी मेरी टोटल। ओके और हाँ उसके बाद फिर मैं ये कैनवास पे शुरू किया। तो हाँ महाभारत की एक पूरी सीरीज की थी मैंने, तो अच्छा वो महाभारत में कृष्ण, इसका टैग, अच्छा कृष्ण हाँ जी का वो, इसका टाइटल था, इसका टाइटल कुरुक्षेत्र था। ओके तो मेरे हिसाब से ग्राफिकली कुरुक्षेत्र को अगर देखा जाए तो एक तरफ भीड़ और एक तरफ कम भीड़, कम भीड़ तो जहां बिल्कुल कम भीड़ थी वहां कृष्ण का सहारा था। बिल्कुल, आपने जब बोला ना तो तो ये, पिक्चर एकदम से क्लियर हो गई। हाँ तो वो सारा हमारा सीरीज वैसी थी कि मैं एक क्लू बताता तो सब लोगों को मजा आता था देखने में, बिल्कुल क्योंकि उसमें कोई फिगरेटिव कुछ नहीं था, सब्जेक्टिव कुछ नहीं था। अच्छा, दूसरा एक चीज, जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पेंटिंग में नरेशन नहीं होना चाहिए या नहीं होना ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को आर्ट का नॉलेज तो ऐसे नहीं होता है, अगर उनको थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा खुशी से एकदम ये हो जाएंगे, जैसे आपने अभी मुझे बोला, तो मैं हाँ एकदम से, अब, मुझे ज्यादा वो अलग सी एक एनर्जी आई। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में, हाँ नरेशन हाँ होना चाहिए नहीं? मेरा सोचना जो आपने बोला ना कि जी शुरू शुरू में तो मैं सब्जेक्ट के साथ करता था, लेकिन मेरा एक स्टेज ऐसा आया जो आपको बताऊंगा बीच में, जो डाइवर्जन पॉइंट, कि जी जैसे
एक थोड़ी सी बात कर लूं, जैसे हम बात करते हैं तो हमारे बीच में माध्यम क्या है, भाषा का माध्यम है, बिल्कुल लेकिन भाषा का माध्यम में हमारा इतना प्रभुत्व हो गया है तो हम सोच करते, आपके साथ बात करते समय मैं सोचता तो हूं नहीं कि इसके बाद मेरा ये शब्द आना चाहिए, इसके बाद ये शब्द आना चाहिए, इसके बाद ये शब्द आना चाहिए, फिर बिल्कुल भी सारा कंटिन्यूटी में निकलता है, वाकई जिस विषय पे बात करते हैं उस विषय की कंटिन्यूटी भी रहती है। तो इसका खास मतलब यह है कि हम दोनों के बीच में माध्यम एक है, बिल्कुल वो है भाषा का माध्यम। तो मेरा पेंटिंग में एक्रेलिक माध्यम है, अगर मेरा माध्यम पे अगर मेरा इतना अगर प्रभुत्व है तो फिर मुझे विषय की जरूरत क्यों है? बिल्कुल अगर मैं कुछ करूं, अगर वो उसकी कंटिन्यूटी में आता है, उसको सहजता से करने की कोशिश करूं, तो ये मेरी, मैं आगे ये जो अभी इसलिए बता दिया कि आगे आने वाली सीरीज जहां मेरा टर्निंग पॉइंट है, वो हाँ टर्निंग पॉइंट यही था कि मैं बिल्कुल एक अपने आप को सवाल किया था कि मुझे इतना सक्षम होने के बाद भी मुझे ये, अच्छा ये पूरी वो एक्सरसाइज है, वो ये जो ओके 90 की एक्सरसाइज थी ना मेरी छोड़ने की, हाँ हाँ सेंट्रल कॉम्पोजिशन छोड़ने की, ये थी। ओके तो मुझे मतलब मेरे मुझे कुछ कहना है तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत क्यों है? इसका मतलब कि अभी मैं इतना परिपक्व नहीं हुआ कि मैं अपनी बात अपने से कह सकूं, मुझे बिल्कुल किसी के विषय की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ तो मैं अपनी बात नहीं कहने में अभी सक्षम नहीं हूं। मेरा मेरा नरेशन का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यूअर है जो आपकी पेंटिंग को देख रहा है और वो बहुत देर से देखने की कोशिश कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ उस पेंटिंग के विषय में अगर उससे दो शब्द बोल दें या दो लाइनें बोल दें जो उससे पेंटिंग को और समझने में मदद करे, हाँ तो नहीं, लेकिन वो एक बात कितना बताऊं कि इम्पोर्टेंट उसमें उसको मैं लिमिटेशन से बांधने की कोशिश कर रहा हूं, फिर है। ओके कि मैं कुछ कहूं उतने में ही सोचे वो, हाँ तो मैं वो स्थिति से बाहर निकल गया था। फिर अभी जो आखिरी बिल्कुल आखिरी जो मेरा अभी चल रहा है ना काम, कि मैं सब्जेक्टिव तो बहुत किया, तो सब्जेक्टिव बहुत करने के बाद भी अगर मुझे, अगर मैं जो अभी कर रहा हूँ, अब जैसे ये उसी सीरीज का है जो मुझे मेरे विषय से हटके करना, मुझे बिना अलग विषय से काम करने के लिए, तो बिल्कुल ये सब उस टाइप के पेंटिंग थे कि जब उसको मैं, और जो मेरा अपना जो प्रोसेस है कि मैं जब काम करता हूँ ना, तो काम के बारे में ना तो फॉर्म के बारे में सोचता हूँ, ना ही मैं कलर के बारे में सोचता हूँ। ये भी आखिरी आखिरी जो 10 साल से जो चल रहा है वो, ये एक रैंडम अप्रोच होता एक है। मेरा नहीं, रैंडम नहीं, वो ब्रश जब कैनवास पे चलता है तब उसके साथ मेरा डायलॉग शुरू होता है, उससे पहले प्री प्लान कुछ नहीं। तो मैं अपने आप जब बैठ के जब पूरा पेंटिंग पूरा हो जाता है, जब देखता हूँ, तो मैंने मैंने कहा सोचा नहीं है तो ये सब आया कहाँ से? तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पास सब कुछ पड़ा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो जो पड़ा रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसको अपनी फॉर्म में अपनी प्योरिटी के साथ सहजता से अगर उसको आने दे, उसको कॉन्शियसली कुछ भी उसके साथ छेड़खानी ना करें, तो वो अपने प्योर फॉर्म में बाहर आता है। बिल्कुल और ये मेरे ख्याल तो से ये रेगुलर एक, रेगुलर काम करने से ये संभव है सर। बिल्कुल रेगुलर, और रेगुलर बात अपने काम के साथ बातचीत करने से संभव है, बिल्कुल अपने आप के साथ और अपने काम के साथ बातचीत करते रहो ना, तब ये जाकर के संभव होता है। कि अभी, और मेरा मानना ये है कि जब मैं कॉन्शियसली किसी एक फॉर्म को छेड़ने की कोशिश करता हूँ, मतलब वो बनाने की कोशिश नहीं, बिगाड़ने की शुरुआत करता हूँ। हाँ क्योंकि क्या होता है ना कंटिन्यूटी नहीं हो और उस दौरान हाँ फिर हम अगर कैनवास पे हम काम करने जाएं, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है बॉम्बे में मैं जब था तो मेरा बीच में करीब 7-8 महीने का गैप हुआ जॉब के हाँ साथ, नहीं ये हो रहा था, फिर मैंने मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं बोला ऑफिस से मैं घर आऊं तो मैं आधा घंटा मैं घुसूंगा काम करने, तुम सोचना कि मेरी ट्रेन लेट आई है। तो ये हाँ चीजें होती थी और फिर उस दौरान ऐसा हुआ कि मैंने 5x5 के बड़े बड़े कैनवास बिगड़े, मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, तो उस हाँ समय से वापस उस ट्रैक पे आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कई सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो लोगों को जब बिल्कुल नहीं आता है बिल्कुल तो छोड़ ही देते हैं फिर, लेकिन वो जो उसके पीछे भागने की जो मतलब अंदर से बात आती है वो दौड़ते रहना चाहिए, वो आप मुझे लगता है कि वो पहुंच ही जाते हैं फिर। लेकिन गोविंद जी, ये संभव तब है जी जब आप अपने काम के साथ पूरे लगाव से लगे हुए हो और उसके बिल्कुल साथ पूरा आप बातचीत कर रहे हो उसके साथ, बिल्कुल तब तब होता है, वरना सुपरफिशियली बैठे बैठे सोचते सोचते करने से तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है वाकई। ये मेरी से वो सेंटर से छुपने की कोशिश, ये आधे आधे घंटे में पूरा किया था। ऑफिस जाने से पहले मैंने तय किया था कि जिस पेंटिंग पूरा ना हो तो ऑफिस नहीं जाने, हाँ लेकिन आधे घंटे में हो जाता था मेरा।
अच्छा, ये बैकग्राउंड में जो ये एक्रेलिक है, ऑयल है? नहीं, ये सारे ऑयल पेपर के ऊपर वाटरप्रूफ कलर इंक से किया था। ओके okay. ये ये सारे सीरीज बात कब करते से? हैं। 2002? हाँ, ये जो फॉर्म जो मैं बोला ना कि विषय को छोड़ के जो करने की शुरुआत मेरी, हाँ, उसमें से ये शुरू हुआ था। ओके okay. अब इसमें मैंने कहीं न पहले प्री प्लान किया है न कुछ। हाँ, और इसमें इतना मजा आया काम करने में मुझे, देखो। कलर बहुत सॉफिस्टिकेटेड है आपके हाँ एकदम, और ट्रांसपेरेंसी भी है एक अलग। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां एक बार ये मैं ब्रश बोलूँ ना, निकल ये जाता है वहां रेगुलर दोबारा नहीं जाता। रेगुलर प्रैक्टिस के से ही ये संभव है, अदरवाइज हाँ, नहीं हो वरना नहीं सकता, होता है। सिग्नल पेंटिंग से नहीं होता ये नहीं होता कि है। चलो एग्जीबिशन आ गया कर दिया। ये संगीतकारों का रियाज जैसा है। अच्छा, बिल्कुल। ये देखो, ये रामायण पे किया था मैंने। अब आपको क्लू मिल गया। हाँ, ये लेफ्ट साइड में जो है ना, सूर्य है ऊपर, राउंड फिगर है वो, जो तो घड़ी बनाए। सूर्य, हाँ, घड़ी जैसा बनाया ना वो समय की है। क्योंकि राम ने बोला था नीचे पत्थर पे राम लिखा हुआ, देखो वहां राम नहीं बनाया मैंने, हाँ, पत्थर पे रा और म लिखने और की कोशिश की है कार्विंग करके। तो बिल्कुल राम ने हनुमान जी को बोला था कि ये सूर्य अस्त हो उससे पहले जड़ी बूटी लेके आ जाना, क्योंकि ये लक्ष्मण मूर्छित है। ये जो पोर्ट्रेट है ना, वो लक्ष्मण का हाँ, पोर्ट्रेट है। ओके तो हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा के लेके आए थे, ऊपर जो थोड़े से संजीवनी के पत्ते जैसे सजेस्टिव किया। ये भी रामायण का है कि ये एक तरफ माइलस्टोन है, एरो बताया ना, और हाँ इस तरफ है जटायु, जटायु का पोर्ट्रेट है। वो जटायु जब आखिरी मोमेंट पे मरने वाला था, उस वक्त जटायु ने राम को बताया था कि ये पद चिन्ह उस डायरेक्शन में गए हैं रावण के। ओके, ये फिर से आया, एक सेकंड। वापस गए। तो हाँ, ये भी रामायण को ही पूरा कर दिया था। सो ये पूरी पेंटिंग है या कट कट कटा हुआ है? ये जूम हो गया क्या? 2010 का जो आपने देखा था ना वो, तो हाँ ऐसा हो गया, एकदम पेंटिंग हाँ, ओके नीचे से कट गया। ओके आप देख लेना उसमें बाद। हाँ, ये पूरा हो जी। गया, ये पूरा हो गया। का भी सोचना ही था कि नीचे अर्थ है, हाँ अर्थ इज ए फर्टिलिटी। अर्थ है मतलब मैं सिंबलाइज करता हूँ उसको, फर्टिलिटी का सिंबल। बिल्कुल। और बीच में स्त्री की आंखें हैं, मतलब फीमेल फिगर के, तो फीमेल भी तो फर्टिलिटी का सिंबल बिल्कुल है। और ऊपर है यूनिवर्स, जिसमें बीच में सन है और नीचे वाइट लाइन जो बताया वो हाँ चंद्र है, चंद्र एंड सूर्य। और बीच में यूनिवर्स है पूरा होलो, जो ब्लैक स्पेस है वो। बिल्कुल टाइटल था कृष्ण अर्जुन संवाद। तो कृष्ण जो ओके है उसके क्राउन से मैंने डिपिक्ट किया है कि क्राउन है वो कृष्ण है जो, और उसको उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। हाँ अब अर्जुन को मैंने इसके हेड के अंदर एक एरो लगा करके सिंबलाइज किया है कि अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन धनुष धनुष विद्या में बड़ा निपुण था। बिल्कुल और ये दोनों को उपदेश देने की जरूरत कब पड़ी थी कि जब ऊपर कुरुक्षेत्र में पांचजन्य शंख जब फूका गया, तब ये हाँ हथियार नहीं उठा रहा था, तब जाकर के संदेश देना पड़ा था। ओके तो वो सिंह शंख का सिंबल दिया मैंने ऊपर। और हाँ, कॉर्नर पे जो है ना, कि ये सारी कहानी शुरू कब हुई थी, हस्तिनापुर की वजह से ये जगह को शुरू हुआ लेके, था। जगह को लेके तो ऊपर एरियर व्यू है, हस्तिनापुर का एरियर व्यू है। ओके अच्छा, ये फिर मुझे कई बार होता था कि जो आदिवासी लोग या फोक पेंटर्स हैं, वो अपने सर पे भार नहीं रखते हैं कि मैं पेंटर हूं या मैं बड़ा आर्टिस्ट हूं या ये है। एक अपना लिया और शुरू कर देते हैं और ढिहाते बिल्कुल हैं। तो मैंने कहा उस स्टेज पे जाकर के मैं करूं तो कैसे हो सकता है, कि मुझे कुछ भी सोचना नहीं, एक बार पेन लेके शुरू करो ड्राइंग, सही। सब्जेक्ट पैक करना है वो भी नहीं सोचना है। तो ये मैंने इसके वजह ऐसे 10-12 पेंटिंग किए थे ऐसे। तो वाह मजा बिल्कुल। आया था मुझे, कोई उस स्टेज पे जाके कोई भार नहीं रखना मन पे कि मैं और चित्रकार हूं। ये मेरे ख्याल से ज्यादा फ्री होके आप प्ले कर रहे हैं इसमें, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो मुझे कई कई बार ऐसा मन में जब फितूर चढ़ जाता है तो मैं कर देता हूँ सही है। कि उस स्टेज पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखो जैसे गांव में शाम को जब निकलते हैं खेत से, बैल लेके वापस घर जाते हैं, बिल्कुल तो शाम को जब जाते हैं तो रास्ते में कहीं रास्ते में आप शेर में शेरी में सांप सांप वांप मिल भी मिल जाते हैं, तब उसका बिल्कुल एक्सप्रेशन कैसा होता है वो बैल का बिल्कुल ये भी कट गया। इसका टाइटल था वेटरनिटी डॉक्टर। गांव में जो वेटरनिटी डॉक्टर होते हैं ना, जानवर प्रसूति कराते हैं ना, देखो हाँ उसके अंदर गर्भ में एक बच्चा है, ओके डॉक्टर ऊपर से पूंछ पकड़ के खड़ा है, तो हाँ ये बहुत अच्छे हुआ था सीरीज मुझे, बहुत मजा आया था मुझे करने में। ये कहाँ ये एग्जिबिट देखो किया वहां एग्जिबिट न्यूयॉर्क में। कहीं नहीं किया था, एग्जिबिट नहीं किया था मैंने कहीं भी, कि कहीं कहीं किसी एग्जिबिशन में नहीं रखा था। लेकिन ये सारा काम जो है वो अभी जो आपने अभी तक जितना दिखाया ना वो सारा दिल्ली आर्ट गैलरी के पास उसने खरीद लिया पूरा, मतलब ये 1968 से लेकर के 2006 तक का सारा काम उसके पास है। ये सीरीज मेरे पास बहुत अभी मेरे इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत बढ़िया हुआ था काम, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और पेपर पे एक्रेलिक से ही किया है मैंने, 10x10 के हैं, 8 इंच बाई 10 इंच। क्या साइजेस। कैनवास मैंने पेस्ट कर दिया था करीब 25-50 बोर्ड एक साथ, और फिर उसको करता था ये। और ये पूरी मेरी एब्स्ट्रैक्ट सीरीज जो शुरू हुई उसी वक्त का ही है। क्या है 2000 कुछ लिखा है आपको, आपको 2004 दिखाई देगा? 2004 हाँ मुझे चार नहीं दिखा, वो दो का इसमें आपने देखा इसमें था, वो एक चार का एक ये दिखा मुझे है। एक मजेदार वो पार्ट लगता है जब डार्क से लाइट होके वैनिश हो जाता है, हाँ वो ये मेरी बहुत खास कैरेक्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो। हाँ और एक 3D वॉल्यूम दिखता है, हर एक फॉर्म का एक अपना बिल्कुल वॉल्यूम और वजन दिखता है। जो आप बोल रहे थे ना वो हस्तिनापुर वाला दृश्य हाँ जिसमें शंख था, हाँ 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 वो उसमें एक्चुअली मैं जब भारत भवन में था ना तो मैंने वहां पे सिरेमिक में काम किया, तो हम लोग जो ड्राइंग करते थे ना वो लगभग हाँ लगभग वो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम थोड़ा सा ऐसे रैंडम ये करते थे कि ऐसे ही होता है, तो वो उस समय वो देख के मुझे वो ड्राइंग याद आ रहा था। हाँ ये पेपर पे किए हैं, छोटे छोटे हैं काम, अपना 10 इंच बाय 12 इंच के होंगे, एक्रेलिक से। ऐसे काम कितने थे मालूम है? 250-250 काम किए हैं मैंने, वो छोटे वाले जो एक सिंगल कलर में ड्राइंग सारे हाँ ये कैनवास पे है, ये तो मेरे पीछे भी दिखता होगा। ओके ये अच्छा वो वही काम है। हाँ ये व्हाइट स्पेस आपने छोड़ा है कि ऊपर से पेंट किया। हाँ हाँ ये व्हाइट स्पेस, मैंने कभी व्हाइट रंग लगाता नहीं हूं मैं, ये पूरा कैनवास है वो छोड़ा हुआ। और सबके सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी मास्किंग नहीं करता हूँ, टेप से लगा के मास्किंग नहीं किया है अच्छा और ये। रैंडम मैं जब छोड़ा हुआ है। येलो येलो नहीं, येलो वॉश जब किया ना, सबसे हाँ पहले तो येलो वॉश कर दिया था कैनवास पे, ओके तो जब वो सूखे उससे पहले मैंने पानी वाला ब्रश चौड़ा लेकर के उसमें से सारा कलर निकालने की कोशिश की थी, 3-4 बार ब्रश घुमा के वो अच्छा अगर कलर ही निकाल दिया वहां से। ओके मैं मास्किंग नहीं करता हूँ पेंटिंग में। वाह सबका एक एक तरीका है ना, उस तरीके से ही हाँ वे उसमें निपुण होते हैं। हाँ हाँ मेरे इस एग्जीबिशन में सब लोग मुझे आकर के अहमदाबाद में यही पूछते थे कि ये टैप लगा के किया है, मैंने कहा भाई नहीं मैं टैप नहीं लगा, ये मेरा ब्रश जहां से एक बार चलता है दोबारा वापस नहीं जाता है वहां पर, सही ये 4 फुट 5 फुट का है कैनवास। वाह ये भी 12x10x12 का पेपर पे है, ओके अच्छा। ये आपको बताऊं, अभी मैंने जो कोरोना शुरू हुआ था ना उससे पहले पहले जी सब मुझे मन में आया कि सब लोग बोलते हैं मैं डिजिटल करता हूँ डिजिटल करता हूँ, ये डिजिटल है क्या? हाँ
है कि हमारी तो, मैं तो मुश्किल से, ये मुश्किल से मोबाइल भी मैं तो ऑपरेट नहीं करता चाहता तो मैंने फोटोशॉप सीख लिया सर, ओके मेरे बेटे से बोला कि मैंने कंप्यूटर लाके दे और एक लाके दे। मैं अपने से लेसन आईपैड में लेसन खोलता था, वो जैसे बोलता था वैसे थोड़ी बंद करके उसको फिर प्रैक्टिकल इसमें करता था। करीब 1 साल तक मैं फोटोशॉप पूरी सीख लिया, उसका एक एक इंस्ट्रूमेंट को समझ लिया बराबर। और फिर मैं ये फोटोशॉप में किया पेंटिंग, मैंने फोटोशॉप में 22 पेंटिंग किए करीब, ऐसा 22 रखने वाला हूँ एग्जीबिशन में, पेंटिंग तो करीब 40 के करीब किए हैं। तो हाँ उसमें से ये है, ये साइज है 18x27 की सकते हैं, ओके, ये तो हैंड वॉक है ना, ये डिजिटल है मेरा, ये भी डिजिटल है, नहीं डिजिटल है, हाँ ये डिजिटल है, मैं ही तो बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्पल वाला कैनवास और भी डिजिटल में कोई फर्क है? देखो मैं 1 मिनट इसको वापस कर, नहीं ये पर ये नहीं, ये कैनवास है, हाँ ये वाला ना, ये ये वाला तो जो है ना डिजिटल ये वाला डिजिटल है। है। और इसमें मतलब मेरा आग्रह ये था कि मैं कोई कटिंग पेस्टिंग और ये वो नहीं करना है, जैसे मैं कैनवास पे व्हाइट कैनवास पे पेंटिंग शुरू करता हूँ ना, वैसे पेंटिंग मैं शुरू करूं तो डिजिटल मेरा है, नहीं तो मुझे सब जगह से ला करके कटिंग पेस्टिंग और ये कटाटे चिपका पिपका के करें, मुझे वो जी नहीं चाहिए, और ना ही उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो मिलते हैं वो भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो जैसे मैं पेपर पे करता हूँ वैसे मैंने फोटोशॉप में किए हैं। ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें वो वैनिशिंग वो भी दिख रहा है, हाँ मर्ज होता हुआ। और ब्रश जो, और ब्रश जो छूटता है उसकी भी देखो कैरेक्टर्स, बिल्कुल ये कैनवास पे है, ये 22x28 का है। ये डिजिटल है ओके लेकिन सब लोग को मानने में नहीं आता था, मैंने रखा था वहां पर, तो बोले नहीं हाँ वाटर कलर पे किया है आपने, कहा कि पेपर प्रिंट है ना ये, मैंने उसको आर्काइवल पेपर पे निकाला है प्रिंट। ये कैनवास पर है, ये नीचे से कट गए। ओके तो ये जो रेड है, जो बेस वाला रेड दिख रहा है, वो बाद में यूज किया। ना पहले सबसे पहले मैं वॉश कर देता हूँ कैनवास पे, ये जो जैसे कलर वाले जितने हैं वो, फिर हाँ उसके ऊपर काम करता हूँ। पर ये बीच का ये टेक्सचर, हाँ ये जब कलर मेरा ब्लैक जब मैं यूज करता हूँ हाँ तो जब गीला गीला होता है उसको सूखने से पहले मुझे नहीं चाहिए, वहां से कपड़े से मैं उसको निकालना। उठा भी लेता हूँ। ओके हाँ मेरे ख्याल से यही यही मैजिक है क्योंकि इसमें जैसे आपने जब बोला ना कि ये रेड बेस है, तो हाँ मुझे ही लग रहा था कि बेस में तो वो बेस दिख रहा है, ये रेड तो ऊपर से लगाया हुआ लग रहा है। ये भी कट गया नीचे से, हाँ नीचे से थोड़ा सा नीचे से कटा थोड़ा सा, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ठीक है? आप ठीक हैं? ये डिजिटल है। ये डिजिटल, ये डिजिटल है, अब आप पता चल गया। लेकिन देखो मेरा करने का जो तरीका है वो डिजिटल हाँ में भी वैसा ही रहा है, बिल्कुल कलर को फॉर्म का भी और कलर का भी जो एप्लीकेशंस हैं कलर के उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आया, कलर फर्क लेकिन नहीं है। कलरफुल हो गया बस, ये इसका ऐसे, इसका ये जैसे कट गया। बीच का ये टेक्सचर है, उसमें भी ऐसे बीच का ये हाँ टेक्सचर। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ अब आया ये कैनवास पे, 18x24 1.5 फुट 2 फुट का अच्छा, हम अगर आर्ट मार्केट की बात करें तो इंडिया और वहां न्यूयॉर्क में क्या फर्क दिखता है, इंडियन आर्ट आर्ट का या? मार्केट में। हाँ इंडियन आर्ट का मार्केट जो है ना, खास कर करके अगर यूरोप में देख, वहाँ अमेरिका में देखा जाए, तो मेरे मेरी जो समझ थी और मैंने जो वहाँ देखा कि जो अप्रोच है काम का हमारा इंडियन पेंटर्स का या इंडियन अपनी आर्ट फ्रेटर्निटी का और वहाँ का जो अप्रोच है, वो दोनों अप्रोच में इतना फर्क है
वो जल्दी से हमारा जो यहाँ का किया हुआ काम को एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल वाला है। मुश्किल होता है। हाँ, ताकि वहां पर ज्यादातर जो मैंने देखा है कि मटेरियल एक्सप्लोटेशन के काम बहुत है, बिल्कुल, कुछ भी मटेरियल कटिंग को पेस्टिंग एक्सप्लोइट करना, कोलाज थ्रेड कुछ भी कोलाज, कटिंग, प्रोड्यूस। पेस्टिंग, इवन कहीं प्लस जो भी है वो मटेरियल को एक्सप्लोइट करके उसमें से क्या क्या, मतलब वो कर सकते और हैं जो बिल्कुल भी कुछ कर देंगे, कैनवास को अगर छड़ी से काटेंगे भी तभी मानेंगे कि ये नया कुछ हो गया। लेकिन एक्चुअली और मैंने इंडियन मैंने एक आर्टिस्ट, एग्जीबिशन देखा था इंडियन, हाँ जिसमें है ना एक एक वॉल पे है ना बहुत सारे पोस्टर लगते थे किसी चीज का, उन्होंने वही दीवार उठा के लाके उन्होंने एग्जिबिट किया हुआ था, और उसमें हाँ करीब जो इतना मोटा मतलब सालों से शायद उसके ऊपर पोस्टर चिपक चिपक के चिपक चिपक के इतना मोटा हो गया था साइड से, तो वो हाँ वही उसी को उन्होंने प्रेजेंट किया था। अभी वो मेरे को आर्टिस्ट का नाम याद नहीं है, पर वो उन्होंने वो अच्छे बड़े एग्जीबिशन में उसको एग्जिबिट किया था उस तरीके से। तो मटेरियल लेकिन उसके मैं समझता हूं उसमें कि थोड़ा उन लोगों को जो है ना काम जो करेंगे ना उससे ज्यादा बोलना बहुत पड़ता है, बिल्कुल और हमारे यहाँ काम बोलता है, काम बोलता है। ऐसा मेरा मेरा ख्याल है। ऐसा हाँ कि हाँ जो फर्क है ना कि उन लोगों बिल्कुल को एक एक काम करेंगे, चार पेज तो उसके पीछे लिखेंगे, और लोगों को काम में समझ ना आए लेकिन वो बात जो जो सुनेंगे ना, चार पत्ते पढ़ेंगे, पढ़ने के बोले बाद वाह, समझ में ये तो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी यही है ये पेपर पे। सारा काम जो है न्यूयॉर्क में ही किए थे ये सब काम, ओके ऐसे करीब डिजिटल 40 डिजिटल वाले 45 काम है। नहीं, डिजिटल नहीं है ये पेपर पे, ओके बिना माउंट, एसिड फ्री माउंट था, 15x16 के पेपर माउंट मंगाए थे मैंने, ओके हाँ पैकेट, तो करीब 40 काम किए हैं ऐसे मैंने, हाँ अच्छे काम हुए थे। ये तो छोटा, ये 12x13 का है ये पेपर पे, मैं ओके पेपर हाँ बोलूँ मतलब लूज पेपर, और वो बोर्ड है, वो पेपर बोर्ड था। हाँ ये कैनवास पे 22x28, अब ये जो मुझे मैंने बताया था ना, ये हाँ 4 फुट 5 फुट का है ये। ये जो सीरीज है ये 2002 के बाद से ये सीरीज आपने शुरू किया ना। हाँ, 2002 के बाद मैंने वो जो हाँ नॉन सब्जेक्टिव शुरू किया, क्योंकि मुझे, मैंने आगे भी जो बात की कि मैं विषय के साथ क्यों करता हूँ, इसका मतलब जो मुझे क्वेश्चन उठे थे और जो मैंने ही अपने तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश की, कि जो फॉर्म मेरे हाथ से आता है उसको मैं बिना छेड़े सहजता से जितने फॉर्म बनते हैं वो मैं करूं, तो कैसे उसका रिजल्ट मुझे मिलता है। तो वो जो सीरीज शुरू की, वो सीरीज अभी भी मेरे साथ चल रही है, और ओके मैं अभी उसी तरह से, मेरा काम का अप्रोच उसी तरह से है। ये उससे पहले के हैं काम, ओके ये छोटे छोटे 8x10 के हैं। ये 2004 के हैं। हाँ, 2004 के हैं ये, अभी रिसा, मतलब ये मेरे ख्याल से 2016-17, क्या, 16 है शायद। हाँ 16, ऐसे 12 कैनवास अभी किए मैंने, ये 18x10 के, ये 4 फुट 5 फुट का कैनवास है, पहले का है। लेकिन जिस जब से मैंने ये शुरू किया है ना, नॉन सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट करता था, जी तो सब्जेक्ट के इर्द गिर्द मुझे घूमना बहुत पड़ता था, और सब्जेक्ट के इर्द गिर्द में सोचने की कोशिश में से ऊंचा ही नहीं आता था, कि मैं ये सोच लिया अब ये करो, अब ये करो, यहाँ ये करो। इसमें इतना मतलब फ्रीडम जो है काम की मुझे, कि ना तो मुझे फॉर्म के बारे में मैं सोचता हूँ, ना कभी ड्राइंग करता हूँ, ना कभी पहले पेंसिल से, कभी पेंसिल तो मैंने पकड़ी नहीं इसके ऊपर कैनवास पे, सीधा ब्रश से काम जब शुरू करते हैं, तो वो जो अपनी निश्चिंतता से और सहजता से जो घूमने का और सफर करने का जो मजा है ना कैनवास बिल्कुल। में, इतना मजा आता है इसमें मुझे। अच्छा ऊपर जो ये रेड और ये ब्लैक है या डार्क ब्राउन से ये रेड आया है। हाँ, डार्क ब्लैकिश ब्राउन होते हुए रेड हो गया। क्योंकि मेरे ख्याल से जो ये आपने जब बोला ना तो जाके ये हुआ, नहीं तो वो ऐसे लगता था ना कि
वो पीएच वहां जाके लाइट हो गया और उसी में हाँ एक नहीं, मैजिकल मोमेंट वो दिख रहा है। हाँ और ये इन सब जगह पे जो कट जैसे दिखते हैं कि ये एक रैंडम फॉर्म है, उसका पार्ट इस हाँ साइड है। हाँ इस साइड है, ताकि वो स्पेस को इस स्पेस में से निकल के आगे दूसरी जगह चला गया, वो ताकि वो उसको बांधे होल्ड कर रखता है सकता है, एक उसका नजर बांधे को रखता है उसके मतलब। साथ उसको। हाँ देखते आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को। ये भी एक्रेलिक में, जो एसिड फ्री बोर्ड जो मैं बोलता था, न्यूयॉर्क में मैंने ओके काम किया, करीब 40 एक काम किए, वो ये वाले उसमें से है। वाओ, ये डिजिटल, तो यहाँ आपका प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न जो ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग उनके मन में होते हैं, कॉलेज खत्म करने के बाद हमें क्या करना चाहिए या अपना रूटीन कैसे सेट करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन नए स्टूडेंट्स को? मेरा तरह से, अगर जिस तरह का कि मैं जो भी कहूंगा मेरे अनुभव से कहूंगा, कि बिल्कुल मैं उस तरह से जिया हूं कि जब भी कुछ काम करें, जो भी नई जनरेशन जो है अभी अपनी, और आर्ट में अगर अपनी कैरियर बनानी है, तो जो भी काम करें उसको इतना मन से और इतनी 100% अपने अंदर अंदर जो है उसका 100% देने की कोशिश करें। उसको आसपास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपका आपका प्रतिबिंब है। पेंटिंग जो है वो आपका प्रतिबिंब है, कहीं दूसरी जगह से देख करके बनाने की कोशिश, या अभी ये चल रहा है तो ये करूं, ये चल रहा है तो ये करूं, ऐसा नहीं। बिल्कुल लेकिन आपकी अपनी खोज क्या है, आपका अपना विचार क्या है, उसके साथ इतना जुड़े रहें और उसी हिसाब से करते रहें, अच्छा बुरा की कोशिश में, ये काम अच्छा है या बुरा है वो तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल वो हर काम अच्छा ही होता है जिस स्टेज पे जब होता है, क्योंकि वो सपोज आपका स्टार्टिंग पीरियड है तो वो उस पीरियड का वो अच्छा ही काम होता है वो। लेकिन बिल्कुल धीरे 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 जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे और उसके साथ मन से और सहजता से उसको करते रहेंगे, तो वो अपने आप धीरे धीरे उसमें एक मैच्योरिटी आती जाएगी। लेकिन मैच्योरिटी के साथ साथ अपने विचारों की भी मैच्योरिटी को लाने की कोशिश करें, क्योंकि हर वक्त डायलॉग उसके साथ प्रोसेस चालू रहेगी, तो आपके काम की भी और आपके विचारों की दोनों की मैच्योरिटी जरूर झलकती है काम में। ये बिल्कुल मैं उसी हिसाब से, मेरी मेरी जिंदगी में उसी हिसाब से जिया हूँ और उसी हिसाब से काम किया हूँ। मैंने आसपास नजर नहीं की है कहीं, मैं ओके अपने अंदर ही देखा हूँ, जब भी देखा हूँ। जैसे मैंने महाभारत और उसका भी जो आगे जिक्र किया था, तो महाभारत को मैंने अपने तरीके से देखने की कोशिश की है। दुनिया महाभारत बोलती है, ऐसे करती देखिए। है, महाभारत के पेंटिंग उसके नहीं है, मेरी बिल्कुल महाभारत ये है, मेरी बिल्कुल रामायण ये है। बिल्कुल नहीं, अभी मैं एक उनके राम जी की यात्राओं पर एक सीरीज कर रहा हूँ जिसका वो पहला पेंटिंग ये पिंक बेस उसका अभी चल रहा है। तो वो हाँ सही हाँ होता है ना, सबके अपने अनुभव अपने तरीके से पेंट करते हैं, उनको फॉर्म में बिल्कुल कैसे बिल्कुल लाना है, वक्त ये करना है वो उनसे। हाँ अच्छा, दूसरा एक चीज, जैसे आप बाहर रहते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बाहर के गैलरीज को कैसे अप्रोच करें व हाँ तरीके से वो लोग देखते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल ऐसा हो गया है कि क्यूरेटर्स के थ्रू गैलरीज को पास जाना चाहिए, या कुछ ऐसे गैलरीज जो आप सजेस्ट करना चाहें जो इंडियन आर्ट को प्रमोट करती हैं व देखती हैं काम, क्योंकि देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोट तो बाद की बात है, जो देखती हैं, तो ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को? मेरा मेरा अनुभव ये है, जैसे मैं खास तो न्यूयॉर्क में ही रहा हूँ ज्यादा, तो अमेरिका में क्या है कि मैनहट्टन में इतनी गैलरीज हैं, इतनी गैलरीज हैं, मतलब हर कंट्री की गैलरीज है वहां पर। हाँ, हर कंट्री वालों की गैलरी है वहां पर, तो वो सिर्फ अपने कंट्री के आर्टिस्टों को मोस्टली वो प्रमोट करते प्रमोट हैं। करते हैं। हाँ, जैसे अब स्पेनिश गैलरी है, वो स्पेनिश आर्टिस्ट को ही करेंगे, डेनिश गैलरी है, डेनिश आर्टिस्ट को ही करेंगे, हाँ, और कुछ गैलरी ऐसी हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार वो लोग। प्रभुत्व से करते हैं। नहीं, प्रभुत्व से, जैसे कुछ गैलरी ऐसी है लैंडस्केप गैलरी, वो सिर्फ हाँ लैंडस्केप को ही डील करते हैं। कल्चर ओके गैलरी, वो सिर्फ कल्चर को ही डील करते हैं, और वो भी फिर देखेंगे वो अपने रीजन में जाएंगे कि अपना रीजन का कौन है। तो उसी हिसाब से इंडियन गैलरीज भी हैं न्यूयॉर्क में, हाँ तो वो सिर्फ मोस्टली इंडियन पेंटर्स को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन वहां
मैं जो जिस हिसाब से समझता हूँ कि इतने प्राइम एरिया में गैलरीज और ये सब कुछ है, तो उनको अपने यहाँ स्टैंड बनाए रखने के लिए सबसे पहले वो सोचते हैं कि मैं किसका सेल कर पाता हूँ, बिल्कुल या सेलेबल कौन है, बिल्कुल, या मास्टर सेलेबल कौन है जिसको मैं, इससे में से मुझे रेम्यूनरेशन मेरा गैलरी का बना रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ताकि बहुत कम गैलरीज हैं जो नए आर्टिस्ट का हाथ पकड़ के आगे जाके प्रमोट करे, जैसे अमेरिका करता है। कई बार अमेरिकन ऐसे आर्टिस्ट का कभी नाम नहीं सुना है, उसको ला करके इसके पीछे सब लोग लग जाएंगे, चाहे लिखने वाले भी, आर्ट क्रिटिक भी, बिल्कुल मीडिया भी, और करके उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक किस हिसाब से लेके जाना है वो काम वो वहां बैठ के करते हैं। नहीं, लेकिन अपने वाकई इंडियन गैलरीज वो काम वहां ये अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं करती। और दूसरा एक चीज ना, ये जो दौर अभी वो लोग वो कर रहे हैं नीचे से उठा के, वो मेरे ख्याल से वो चीजें आज से 80s के टाइम पे यहाँ पे हुई हैं। इवन बड़े बड़े हाँ आर्टिस्ट जो बिल्कुल, गैलरीज का हाथ पकड़ के उनको उठाई हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्योंकि उस जी वक्त क्या था, गैलरी की भी शुरुआत थी और गैलरीज को भी मेहनत करनी थी। अब गैलरीज एस्टैब्लिश हो गई है मोस्टली, बिल्कुल। अच्छा, और वो दूसरा भी एक एस्टैब्लिश हो गए उसके पास, वो भी उनकी उन्हीं की वजह से एस्टैब्लिश हुई है, जो आगे जाकर बिल्कुल के जिसको ऊपर खड़ा किया है। बिल्कुल, तो ये वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक दो दूसरे की, जैसे अभी कोई छोटी गैलरी है या छोटे क्यूरेटर्स हैं, एक दूसरे के मोनोपोली के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए बिल्कुल सब एक बिल्कुल दूसरे को किस बिल्कुल, तरीके से सहयोग करके, क्योंकि फील्ड में आपको मेरे ख्याल से आगे बढ़ना है तो एक दूसरे के सहयोग से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल रही बिल्कुल, बात जो ऑक्शन हाउसेस हैं, कई सारे जगह ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऑक्शन में काम कैसे जाता है, कैसे उसके उसके ऊपर ये बोलियां लगती हैं, तो अगर उस विषय में लेकिन भी आप मेरा कुछ शेयर मेरा करना ऑप्शन, चाहें। आपने अच्छा विषय लिया है ऑप्शन हाउस बोल के। जी ऑक्शन हाउस में जो है, और आप आर्ट फील्ड में आप आर्टिस्ट हो और काम कर रहे हो और काम अपना बेच रहे हो, वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल ऑक्शन हाउस के ना को मापदंड बना करके आपको चलना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है, मानो किसी का वहां पर 45 लाख या 40 लाख में बिक गया, वो आर्टिस्ट अपने घर से 40 लाख में नहीं बेच पाएगा। वाकई वही आर्टिस्ट चाहे भले उसका ऑप्शन में वो पे, क्योंकि वो पर्टिकुलर पेंटिंग की कीमत है। वो जैसे मेरा काम है, एक काम ले गए और एक काम वहां पर 25 लाख में बेच दिया, तो वो उस पेंटिंग की कीमत 25 लाख है, मेरी नहीं। बिल्कुल मेरे पास तो और 100 काम पड़े हैं, तो उसकी 25 लाख कीमत नहीं है, क्योंकि उनको ये एक एक, 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 एक शेयर जैसा बना के रख दिया कि ये पर्टिकुलर शेयर इतने में बिकता है। बिल्कुल। अभी जैसे वो तो गायतोंडे जी की वो काम की बात करें, अगर हम, हाँ जो जितेंद्र जी ने अहमदाबाद में 30,000 रुपए में शायद उनसे ली थी, ये बहुत पहले की बात हाँ है, अब तो वो रहे नहीं, पढ़ा मैंने वो भी। हाँ तो वो काम 29 करोड़ में जब गई तो वो एक हाँ आश्चर्यजनक ये था। फिर उसके बाद तो गायतोंडे जी के कहाँ कहाँ से काम निकले हैं वो आप सबको पता है। हाँ मैंने उनका रेट्रोस्पेक्टिव देखा न्यूयॉर्क में, वही गोगेनहेम म्यूजियम में था, ओपनिंग में मैं था वहां पर। ओके okay. हाँ तो वो सारी चीजें होती है ना कि कलाकार जब उस समय पे जब जरूरत होती है तब उस समय वो स्टेज नहीं मिल पाता, अब नहीं है उस नहीं समय। नहीं मिल पाता, मतलब उनको ये कीमत उनकी बढ़ाई है हाँ जिसके कलेक्शन में वो काम है, और जो इस ऑक्शन हाउस के साथ जुड़े हैं उन ओके लोगों ने उसकी कीमत बढ़ा के रखी। बिल्कुल फिर बाद में तो फिर सब लगे से ढूंढ रहे, दूसरे पुराने काम भी आएंगे, दूसरे काम भी आएंगे, ये आएंगे। लेकिन बिल्कुल तो ऑक्शन हाउस को मुझे लगता है कि उसको एक मापदंड ये न समझना चाहिए कि ऑक्शन हाउस में जो बिकता है वही काम अच्छा होता है। वाकई नहीं, वो पर्टिकुलर काम है, उसकी वो वो तो कीमत तय है। करना पड़ेगा, और लोगों को ये चीजें समझनी भी पड़ेंगी, जो नए बायर्स हैं, नए आर्ट कलेक्टर हैं, क्योंकि नए में भी बहुत बायर्स, सारे, आर्ट कलेक्टर्स और नए नए आर्ट फील्ड में आने वाले आर्टिस्ट भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा वही ना कि जो नए लोग हैं जो कलेक्ट कर रहे हैं काम, उनको भी सोचना चाहिए कि उनके अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से उनको ये करना चाहिए। अगर आपको विजुअली अच्छा लग रहा है तो आप एक नहीं दो आर्ट क्रिटिक से पूछिए, दो आर्टिस्ट फ्रेंड से पूछिए, ये नहीं कि कोई किसी लेकिन कुछ भी मैं आपकी दिया। शुरुआत बताऊं, जो मैंने मेरी कैरियर की शुरुआत की थी, तो जी मैंने 68 में जब पास हुआ, 70 में पहला शो मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी में शुरू किया था। तो 70 के बाद कंटिन्यूस मैंने मेरे ख्याल से 22-23 एग्जीबिशन हर साल, एक साल भी गैप नहीं किया था, ओके 22-23 वन मैन शो, ग्रुप शो, ऐसे करके जहांगीर आर्ट में करते थे। तो उस वक्त जो बायर आते थे ना,
जी वो खरीदने का जो तरीका बताऊं कि वो उसके साथ जीने के लिए खरीदते थे, अपने बिल्कुल घर की सजावट के लिए खरीदते थे। हाँ और आजकल जो है ना, उसका खरीदने का तरीका और पर्पस खरीदने का अलग आस्पेक्ट ही चेंज हो गया है कि है। हाँ ये मैं अभी लूं तो उसकी आगे जाके कीमत कितनी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, और तो उसको समझाने वाला लोग एक एक ग्रुप शुरू हो गया, अभी ऐसे बायरों को बिल्कुल समझाने वाला ग्रुप शुरू हो गया बिल्कुल कि बिल्कुल ये लो तो ये चलेगा, ये लो तो ये होगा। तो मतलब पूरा समय के साथ वो ऐसा चेंज हो गया कि जो हाँ आम लोग पेंटिंग के साथ जीते थे ना, वो तो अब आम लोग तो खरीदने वाले रहे नहीं आपके पास। बिल्कुल है। कुछ 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 तो है जो लोग है ना बहुत कम, बहुत कम। अभी भी जाते लेकिन हैं आजकल जो देखते है ना, हैं। आजकल गाइडेड लोग हैं, खरीदने वाले भी गाइडेड हैं हाँ कि भाई ये ले लो ताकि ये इतने साल में इतना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये शेयर शेयर जैसा है, हाँ, अब बढ़ जाएगा मतलब, इस ये पे आप बढ़ दाव जाएगा लगा मतलब, ये सकते देखो हैं। शेयरों की कंपनी में तो उसका प्रोग्रेस बढ़ता है तो उसका शेयर बढ़ता है। लेकिन बिल्कुल आप एक आर्टिस्ट को, जैसे मैं अभी मेरी कैरियर शुरू कर रहा हूँ, वो मेरे पे कैसे बोल सकता है कि ये आदमी का पेंटिंग बढ़ सकता है या ये पेंटिंग का दाम बढ़ सकता है, कैसे बोल सकता है? वो तो डिपेंड। एक दिन मेरे क्योंकि को किसी ने उसके पूछा, पीछे गैलरियों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसी का बोलेगा कि उस गैलरी के पास उसका कलेक्शन होगा। बिल्कुल अभी एक चीज, एक गैलरी दिन मेरे वाला को भी यही किसी ने बोलेगा कि पूछा मेरे पास हाँ कि आप अपने काम का वैल्यू कैसे तय करते हैं, तो मैं बोला ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैं किसी से पूछूंगा कि अपने काम का वैल्यू कैसे तय किया जाता है, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली अपना काम करते हैं, तो बोले वो चीज किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसे क्रिटिक से पूछना जो लोग अनुभवी हो, तो मैं बोला पूछता हूँ, क्योंकि ये मार्केटिंग तो हमारा काम नहीं, हम उसको वैल्यू कैसे ये करेंगे। तो हाँ फिर मैंने फिर बोला नहीं, मैंने बस ये क्वेश्चन ये करके छोड़ा कि मैं पूछूंगा हाँ, जब, मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि तो मार्केट वैल्यू तो ये लोग तय कर सकते हैं, जो हाँ गैलरी वाले और ये बिल्कुल, अपने ऑक्शन हाउसेस। ऑक्शन हाउसेस। हाँ, बाकी आप अपने काम जैसे रखा है, जब मैं शो करूंगा तो मैंने हाँ अपना तय करके लगातार भी इतने साल मैंने काम किया है, तो मैं जो बेच रहा हूँ एक पेंटिंग नहीं बेच रहा हूँ, इतने साल का अनुभव बेच रहा हूँ अनुभव मैं तो मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, कई हाँ, सारे लोग और तो अपने काम उसका बेच निचोड़ रहे बेच हैं। रहा हूँ। हाँ कई हाँ सारे लोग अपने काम बिक रहा है इस बारे में तो बात ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। हाँ करना चाहिए, क्योंकि वो एक, क्योंकि उस वो भी तो एक लाइफ लाइफ का पार्ट है, वो भी तो दूसरे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल। उन लोगों को आज जानना आजकल चाहिए। तो ये आर्टिस्ट में आपस में भी उसका काम किसने खरीदा और खरीदा या बेचा, वो किसी के साथ बातचीत भी नहीं करते। नहीं बिल्कुल नहीं करते। हाँ हाँ, और क्या उसमें, इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। मैं तो हाँ हर एक को बोलता हूँ, बेरा ये लेके गया भाई, तुमको अगर कांटेक्ट करना है तो कर उसके साथ, क्योंकि सही। अभी एक वो दिन ले गया, वो मेरा ले गया है, उसको हो सकता है तेरा भी पसंद आए, बिल्कुल, अभी एक दिन उसमें क्या गणेश गोहिन सीक्रेट जी से सीक्रेट टॉक हो क्या रहा है। था, गणेश गोहिन जी से टॉक हो रहा था, उन्होंने हर एक काम किसके पास कलेक्शन में है, कौन लेके गया, सारी चीजें बताई। बोले मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा काम उनको पसंद आता है तो ले जाए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपको बताऊं, पहले कैटलॉग में छापते नहीं थे हम लोग, कलेक्शन करके एक सेक्शन था किस किसके पास आपका काम है। हाँ अब वो कॉलम बंद हो अब गया शायद, वो कॉलम, एक और कॉलम चला गया अभी। दिखता हाँ, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट तो और आप कुछ गवर्नमेंट बॉडीज को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो मेरे ख्याल से अगर इस वीडियो के माध्यम से आप कहना चाहें, कि कुछ एडवाइजरी कमेटी व जो एनजीएमए है, ललित कला है या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उस उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे। एडवाइस नहीं, मतलब जो मेरा अनुभव है कि मैं भी 10 साल ललित कला एकेडमी का एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुका हूँ, जी तो जो एक्टिविटी जब हम लोग स्टूडेंट थे, और उस वक्त पहले तो शंकुदा और शंकु चौक बहुत सारे मतलब एकेडमी के कर्ता धर्ता थे, और जो एक्टिविटी वो चलती थी, उसके बाद धीरे 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 करके एक्टिविटी, जब तक हम रहे हैं तब तक एक्टिविटी मुझे लगता था कि वो चल रही थी। लेकिन मैं पिछले कितने सालों से देख रहा हूँ कि उसमें आर्ट की एक्टिविटी में बहुत सारी तब्दीली हो गई है, बिल्कुल और उसका कारण मेरे मेरे ख्याल से उसका कारण ये है कि उसके अंदर सलाहकार समिति जो है, और सलाहकार बैठे हैं या सलाहकार समिति का चयन करते हैं, वो चयन में मेरे ख्याल से कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, या तो फिर वो जैसे इलेक्शन पद्धति पहले की थी वो उस हिसाब से लाएं, तो वर्किंग पेंटर्स वहां आके बैठेंगे तो कम से कम आर्ट की मूवमेंट को जानने वाले
और आर्ट में क्या करना चाहिए, क्या क्या नई जनरेशन के लिए करना चाहिए, वो सोच वाले आदमी इसमें इकट्ठे होंगे तो इसकी एक एक दिशा अलग हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन अभी वो इलेक्शन तो खत्म हो गया, अभी तो सिलेक्शन हो गया। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इलेक्शन खत्म हो गया, सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि स्टेट वाइज हर एक को सिलेक्ट करके भेजते हैं और वहां स्टेट में सिलेक्ट करने वाले वो अपनी क्षमता के हिसाब से जो उसके साथ, क्योंकि वो आर्ट में जानते तो है नहीं ज्यादा कि वो किसको भेजे किसको न भेजे, कौन आर्टिस्ट है कौन नहीं है, तो मेरा मानता है या मेरा मैं कहूँ तो मेरा कहूँ ऐसा ये करता है, ऐसे लोगों का चयन करके यहाँ समिति में भेज देंगे। तो उसमें आर्ट को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो सोच है, वो आदमी खराब है ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जितनी सोच है उससे ज्यादा आगे सोच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, वहां ऐसे लोग चाहिए कि जिसको नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल के जो कार्य चल रही है एक्टिविटीज या वहां चल रही है जितनी भी चीजें हैं, एक्टिविटीज वो बिल्कुल चीजें हैं, वो सबका ख्याल हो, सबका नॉलेज मालूम होना हो, चाहिए। और बिल्कुल उसमें टाइम टू टाइम उसमें क्या क्या तब्दीली करना चाहिए, वैसी सोच वाले आदमी अगर इकट्ठे होकर करें तो बिल्कुल मिनिस्ट्री को मेरा मेरा यही एक सजेशन है कि इसके लिए इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि नई आने वाली जनरेशन के लिए ये एकेडमी का, कि एकेडमी जो बनी है और एकेडमी थी उसका मोटो भी यही था कि हमारी जो आर्ट मूवमेंट थी और हमारे जितने आर्टिस्ट थे वो आर्टिस्टों को किस हिसाब से ये उपयोगी हो सके और उसको इसी संस्था के थ्रू किस हिसाब से उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सके, बिल्कुल। वही और उनका कार्य दूसरा है कार्य ना, था, वो कार्य दूर हो गया। जो लोग मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं या मुख्य धारा में हैं, उनका विजन जरूरी है कि बड़े विजन के साथ काम शुरू करें और उसके हिसाब बिल्कुल से जरूरी, टीम बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। टीम मतलब काम करने वाली टीम की कमी नहीं पड़ती है, बस उन्हें ढूंढना और ये करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है आज के दौर में। बिल्कुल बिल्कुल पोस्ट ना सही, रील्स के जरिए आप कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, कितनी अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, ये चीजें भी जरूरी हैं। क्या चीजें लगातार हो रही हैं, किस चीजों पे फोकस करना चाहिए, मिनिस्ट्री को कहाँ तक जाना चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट को साथ मिलकर बिल्कुल क्या किया जा सकता है, वो चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से, और वो मिनिस्ट्री को देखना चाहिए क्योंकि जैसे मैं एक चीज बताना और ये चाहूंगा, मिनिस्ट्री कर सकती है, क्योंकि ललित कला एकेडमी समझो और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट समझो, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल गाइडेड हैं, तो मिनिस्ट्री से गाइडेड हैं सारे, अभी बिल्कुल। अच्छा, एक मिनिस्ट्री के एग्जाम्पल, साथ एफिलिएटेड है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। 2003 या 4 की बात है, सिल्क रूट का एक प्रोजेक्ट हुआ था वाशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस के सामने। हाँ वो बहुत हाँ अलग था, बहुत ही डिफरेंट था। अपने पास ऐसे स्पेस भी हैं, इंडिया गेट व राष्ट्रपति भवन के बीच में, उस तरह की चीजें बिल्कुल भी यहाँ ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। ये हाँ वीडियो अगर उन ऐसे व्यक्तियों के पास जा रहे हैं जो इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चाहे तो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया आर्ट फेयर होता है, तो गवर्नमेंट के पास इतने पावर तो है कि वो इंडिया आर्ट फेयर जैसे 2-4 आर्ट फेयर तो यूं ही कर सकती है। और जैसे और जो दूसरा, भी एक्टिविटी एक 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 बिल्कुल उम्मीद कर लगाऊं कि जो भी एक्टिविटी हो और करें तो उसकी एक एक लेवल और एक गरिमा के साथ करें, उसको बिल्कुल मेले का रूप ना दे दे, मेला ना बना दे, बिल्कुल। बस वो मेला मेला हो के वो थोड़ा गड़बड़ ये हो जाता है, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है, मेला मेला ना हो, कहीं उसकी एक गरिमा रहे और उसका एक स्टेटस रहे बिल्कुल, तो एक्टिविटी ये का। इन सब चीजों के साथ लेके ये करेंगे तो बाहर के लोग भी जरूर आएंगे और पार्टिसिपेट बिल्कुल करेंगे। जैसे बिल्कुल वो लोग इनवाइट करते हैं, हम लोग भी इनवाइट करें, उसका एक स्तर बना के रखें, बिल्कुल एक विजन बिल्कुल लेके काम करें, तो मेरे ख्याल से बहुत आगे जा और सकते। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितने सीनियर्स हैं वो जी सीनियर्स को भी एक बार आगे आकर के सबके साथ बैठ के बोलना चाहिए, बिल्कुल सभी सीनियर्स को, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा तो चलो समय पूरा हो गया लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या करके जाएंगे, नहीं, उसके बारे में वाकई। अगर हम नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा एक चीज सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जैसे 1-to-1 अभी बात कर रहे हैं, हम 4-5 लोगों के पैनल में भी ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जो कि मुख्य मुद्दे हैं आर्ट फील्ड में, क्या बिल्कुल चीजें जरूरत हैं। तो अगर बिल्कुल, कभी आप जूम पे सजेस्ट ऐसे मिलना करेंगे, चाहिए आप सजेस्ट करेंगे सबको, 4-5 जूम लोगों का, पहले तो हम जूम पे, बिल्कुल, और सीनियर्स का लिस्ट बना के जूम पे एक बार अगर सब एग्री हो जाए तो जूम पे भी मीटिंग करनी चाहिए और फिर उसका बिल्कुल एक लिखित मिनिस्ट्री को भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी उस पे कुछ किया जा सकता है, अदरवाइज फिर सिर्फ बिल्कुल बातें करने बिल्कुल से तो कुछ नहीं हो पाएगा, हाँ है ना। और अंत में हम बिल्कुल, चाहेंगे कि सर आप 2 मिनट चैनल के लिए भी जरूर कुछ बोलें। बिल्कुल अरे जरूर जरूर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये इतना सुनने का सर, और ये सुनाने का आपका मौका आशीर्वाद है सर। दिया मौका दिया,
और बाकी सबको भी मैं बोल रहा हूँ कि इस हिसाब से जो ये गोविंद जी ने जो शुरू किया है, तो और गोविंद जी की जो चैनल है उस चैनल को पूरा पूरा 100% सप्लाई, मतलब उसको सब्सक्राइब करें। और ये हर आर्टिस्ट को तो सब्सक्राइब करनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें उनका जो विचार है और उनकी जो बातचीतें हैं, वो आर्ट एक्टिविटी को और आर्ट की मूवमेंट को बढ़ावा देने वाली है। तो मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि सब लोग जो हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। और गोविंद जी का फिर से मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद थैंक यू सर, भाई, थैंक यू। थैंक यू, फिर थैंक यू। मुलाकात होती है सर एक नए वीडियो के साथ, नए बातचीत के साथ, और हम चाहेंगे कि आप एक दो लोगों का नाम भी सजेस्ट कीजिएगा, जैसे आप बता रहे थे, तो मैं उनसे जरूर, कांटेक्ट करके मैं ये करूंगा। जरूर 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 और सभी जरूर दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।